गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 12th of January 2023। आज यूएस सीपीआई डेटा इन द इवनिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फेड स्पीकर्स हैव सेड देयर नेक्स्ट मूव्स विल बी डेटा डिपेंडेंट। अभी है डॉलर इंडेक्स 103.12, इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस है। ये जो जोन है दैट इज 102.20 से 103.80, इस बीच में एक मेजर सपोर्ट लेवल से क्या ये आने वाले दिनों में सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है या इस सपोर्ट जोन को भी ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी कल आपका एक मूवमेंट हुआ है ऑन द हायर साइड 81.81 एंड लोअर साइड 81.51, फाइनली क्लोज्ड एट 81.60 लेवल्स। सो यहाँ पे एक छोटा डोजी टाइप ऑफ कैंडल इज देयर। डोजी टाइप ऑफ कैंडल का मतलब इन द हाफ वे इज ए पॉज कैंडल, तो इसके लो के नीचे फर्दर कंटिन्यूशन, हाई के ऊपर थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है, दैट इज द डोजी कैंडल से इज अबाउट इट। सो यहाँ पे हमें बेसिकली थोड़ा सा अपटिक में सेलिंग के लिए इंतजार करना है। मेरा जो करेंसी मीन्स डॉलर रुपी एनालिसिस कल इवनिंग में अपलोड किया, वहाँ पे ऑन डिफरेंट टाइम पर्सपेक्टिव्स पे कैसे ट्रेड लेना है उसका एक आइडिया हमने डिस्कस किया है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। जीबीपी डॉलर अभी है आपका 1.2161। सो यहाँ पे एक टेंटेटिव रेजिस्टेंस जोन है, दैट रेजिस्टेंस जोन इज योर 1.2230 से 1.2250। इसको अगर ऊपर जाना है पोस्ट यूएस सीपीआई तो इस जोन को पहले इस रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना पड़ेगा, एल्स एज पर द डेली आरएसआई टाइम्स क्या ये इधर से नीचे की तरफ आता है, ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। अभी आते हैं आपका जीबीपी आईएनआर पे 99.26। ये आपका यहाँ पर भी एक जो रेजिस्टेंस जोन है दैट इज 100.50 से 100.80 के बीच में, तो प्राइस अगर इसको ऊपर जाना है तो इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, एल्स देयर आर पॉसिबिलिटीज की थोड़ा सा साइडवेज टू सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो डॉलर 1.0765, जैसे कि हमारा वीकली चार्ट के ऊपर जो एक एनालिसिस था, यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट एट 60, दैट मीन द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के ये ऊपर की तरफ जाए, लेकिन द इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है आपका 1.08 के आसपास। इसको इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना पड़ेगा वीकली बेसिस पे अगर इसको ऊपर फर्दर जाना है। डेली बेसिस में अच्छा खासा रूम है ये और भी थोड़ा अपवर्ड जाने के लिए। एक बार अगर 1.08 तोड़ देता है देन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल विल बी एट 1.0950 से 1.10 लेवल्स। यूरो आईएनआर पे 87.88 लेवल से यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंसोलिडेशन हो रहा है विद इन 88.70 ऑन द हायर साइड एंड 86.90 ऑन द लोअर साइड। सो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस अपना पोजीशन बिल्डअप करने का प्रयास कर रहा है। अगर हम बेसिक जो है हायर लो फॉर्मेशन देखेंगे तो इस पॉइंट के बाद ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद ये आपका हायर हाई हायर लो नहीं बना है, रेदर इट इज़ ट्राइंग टू मेक लोअर हाई लोअर लो, दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन की ट्रेंड में बी चेंजिंग एज फार एज द यूरो आईएनआर इज कंसर्न्ड। सो अभी अगर इस लो को तोड़ देता है दैट इज योर 86.70, देन इन सच ए केस इट विल अगेन फर्दर मेक डाउनवर्ड मूव बाई वे ऑफ लोअर हाई लोअर लो। डॉलर इंडेक्स डॉलर येन है 131.77, मॉर्निंग में थोड़ा सा सेल ऑफ देखा गया है, बट आप अगर आप आरएसआई टर्म्स में देखोगे इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40, दैट बीइंग द केस एंड ऑल्सो द इमीडिएट सपोर्ट लेवल दैट इज 130.50 से 131.20, इस बीच में एक काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है। सो यहाँ पे बेस आउट करके क्या ये ऊपर जाएगा, इसको अगर ऊपर जाना है यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ आप एक प्राइस फॉर्मेशन देखोगे दैट इज योर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, लेकिन उसका राइट शोल्डर अभी होना बाकी है। एक बार अगर इस टाइप का फॉर्मेशन होता है इन सच ए केस इसके ऊपर हम थोड़ा सा सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस 139 से 140 के बीच में हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तक हेड एंड शोल्डर का राइट शोल्डर फॉर्म हुआ नहीं है,
ये अगर आने वाले दिनों में फॉर्म होता है देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट एन अप मूव टुवर्ड्स 139 से 140 की तरफ। येन आईएनआर 0.6191 है और ये थोड़ा सा ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अभी आपका ये जो कंसोलिडेशंस हो रहा है रेंज है आपका 0.6140 एंड ऑन द हायर साइड 6260। इसके आइदर साइड ब्रेक आउट के बाद ही हम एक ट्रेंडेड मूव यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस ऑन द लोअर साइड एंड दिस इज ऑन द हायर साइड। इस रेंज को ब्रेकआउट आइदर साइड करने के बाद ही एक अच्छा खासा मूवमेंट देख सकते हैं पॉसिबली ऑन द लोअर साइड। डॉलर कैंडी 1.3424 ये आपका 1.3360 के लो टच करने के बाद ये थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेट का एक स्पेशलिटी ये है कि आपका 9th जनवरी के जो मदर कैंडल है उसके अंदर में ही बैक टू बैक दो कैंडल दिया हुआ है 10th जनवरी एंड 11th जनवरी। आज देखना पड़ेगा आज भी क्या इस मदर कैंडल के अंदर में रह जाता है, बट मेरे हिसाब से आफ्टर सीपीआई डाटा एक मदर कैंडल के रेंज के बाहर हो सकता है। क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा या ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आएगा ये हमें आने वाले दिनों में मीन्स इवनिंग में देखना पड़ेगा। सो ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक आउट करता है देन इन सच ए केस जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 1.3520 के तरफ एक रेजिस्टेंस हो सकता है। आपका ऑसी डॉलर अभी है 0.6917, दैट बीइंग द केस यहाँ पे डेली RSI इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60। ये अगर 9th जनवरी का हाई को तोड़ देता है देन ये कॉन्फर्मेशन आ जाएगा। एंड एज फार एज द प्राइस इज कंसर्न थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है बिकॉज आपका वीकली आप देखोगे इट इज अप्रोचिंग 60, मंथली देखोगे ये एट 47.50। सो वन साइडेड जूम 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 करके मूवमेंट करने का एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे है नहीं। CNH काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये अभी है 6.7636 इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल से 6.73 से 6.78 इस रेंज के अंदर में ही है। हमें थोड़ा सा प्राइस सेक्शंस देखना है। फर्दर इकोनॉमी ओपनिंग अप इन चाइना दैट मे टेक केयर इवन फर्दर स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द डॉलर। यूके ऑयल 83.00 है, ये आपका आपका जैसे कि हमारा पहला मीन्स लास्ट है एनालिसिस था यहाँ पे हायर लो बना रहा है। अभी ये हायर हाई को तोड़ेगा तो ये फिर दोबारा एक ट्रेंडेड मूव करने का प्रयास कर सकता है हायर हायर लो टाइप का, लेकिन उसके लिए ये हाई जो है आपका 87 उसके ऊपर जाना पड़ेगा। US 10-year ट्रेजरी 3.55 है, ये अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है लोअर लेवल पे। और यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि आपका ये हायर लो बना रहा है, अब आफ्टर CPI ये इसके लो को तोड़ देगा तो ये फिर दोबारा ये स्विंग लो को टेस्ट करने का प्रयास कर सकता है। और ऐसा अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो इमीडिएट जो ये स्विंग हाई है दैट इज दिस पर्टिकुलर हाई इसको टेस्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। सो वी आर ओपन फॉर बोथ साइड डायरेक्शनल मूव्स आफ्टर USCPI डेटा, देखते हैं कि क्या डेटा क्या रंग लाते हैं। अभी के लिए करेंसी डेली एनालिसिस इतना ही, आशा करता हूँ ये मेरा जो प्रयास है आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए विद इन योर लाइक माइंडेड फ्रेंड सर्कल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।